hello friends welcome back to my channel study your way i am shruti and i'm back with another video the topic for today's video is the making of germany and italy and in this topic we are going to see three subtopics first one germany can the army be architect of a nation second one italy unified and the third one the strange case of britain so without wasting any time let us get into the video तो 1848 के बाद जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो जो पहले डेमोक्रेसी फ्रीडम लिबरलिज्म, रिवोल्यूशन इन सब आइडियोलॉजीज के साथ एसोसिएटेड uh, थे वो कन्ज़रवेटिवस uh, के थ्रू यूज़ किए जाते थे स्टेट uh, में पावर प्रमोट करने के लिए एंड देन अचीविंग द पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द पीपल ऑफ़ स्टेट हमने हमारी पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे uh, जो रिवोल्यूशनरीज थे uh, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया जर्मनी को यूनाइट करने का बट उन्हें टाइम टू टाइम रिप्रेस किया गया बाय द कम्बाइंड फोर्सेस मोनार्की मिलिट्री एंड लैंड ओनर्स जिसे uh, वहाँ के लैंग्वेज में या वहाँ के जो भी डायलैक्ट्स होंगे उसमें जंकर्स बुलाया जाता है देन इन सब चीज़ों के बाद रूशिया ने एक लीडरशिप शुरू की ताकि वो जर्मनी को यूनाइट कर सके रूसिया के लीडरशिप में ही अब जर्मनी यूनाइट होने वाली थी उसके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोवान बिस्मार्क उन्हें एज अ आर्किटेक्चर ऑफ दिस होल मूवमेंट देखा गया और वो ये सब करने वाले थे विद द हेल्प ऑफ द आर्मी तो उसी के चलते तीन वॉर्स हुई इन द स्पैन ऑफ सेवन ईयर सात सालों के कालावधि में तीन वॉर्स हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस और इन तीनों वॉर्स में प्रुशिया की जो थी वो जीत हुई एंड देन 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम वन उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया एज द हेड ऑफ जर्मनी इन अ सेरेमनी हेल्ड इन वर्साइलेस और उस सेरेमनी में हर कोई जो हाई पोस्ट पे जर्मनी में था वो सब वहाँ पे प्रेजेंट थे जिसमें जर्मन स्टेट के प्रिंस आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ प्रूशियन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स एंड देन जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोबन बिस्मार्क वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे और ये सेरेमनी हुई थी पैलेस ऑफ वर्साइलस में तो अब जर्मनी यूनाइट हो चुकी थी लेकिन वहाँ पे जो भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुई थी उसमें जर्मनी के अंदर जो डोमिनेंस था वो प्रूशियन स्टेट का था तो यहाँ पे जो भी यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का उसमें ना डेमोक्रेसी थी ना लिबरलिज़म था ना फ्रीडम था यहाँ पे सिर्फ Uh, एक डोमिनेंस था वो था प्रोशियन स्टेट का और ये जो न्यू स्टेट क्रिएट हुई थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर दिया गया वो था मॉडर्नाइजिंग करेंसी के ऊपर यानी नई करेंसी एस्टैब्लिश करने के ऊपर देन बैंकिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया ओके okay, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इटली यूनिफाइड अगर वीडियो को देखते वक्त आपके दिमाग में कोई क्यूरी या क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए ओके okay. तो जैसे हमने हमारी पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि यूरोप में बहुत ज़्यादा डायवर्सिटी थी तो इटली में भी वैसे ही कुछ सिचुएशन थी इटली जो था वो डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड था जिसमें सेवन स्टेट्स थे और सेवन स्टेट्स में डिवाइड होने के बाद सिर्फ एक ही स्टेट थी जो थी सार्डिनिया पेड मॉन्ट जो इटालियन प्रिंसली हाउसेस के थ्रू रूल की जाती थी इसी के साथ साथ जो इटालियन लैंग्वेज थी उसका भी कोई एक कॉमन फॉर्म नहीं था वो भी बहुत ज़्यादा रीजनल एंड लोकल लोकल वेरिएशंस के साथ थी बाकी आ, स्टेट्स की तरह बाकी कंट्रीज़ की तरह इटली में भी यूनिफिकेशन के बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनस हुए जिसमें से एटीन थर्टीज़ में यूसफ़ मज़ीनी जो हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया इटली को यूनाइट करने का एंड इसी के लिए उन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ भी फॉर्म की और जिसमें एक एग्ज़ाम्पल था यंग इटली तो इटली में ये सब रिवोल्यूशन्स फेल होने के बाद जो इटली यूनिफिकेशन की जो लीडरशिप थी या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सार्डीनिया पेडमोंट जो भी स्टेट था उसके जो किंग थे विक्टर इमेनुअल टू उनके ऊपर आ गई थी और उन्हें ये फोर्स था या उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, थी, थी कि वो इटली को यूनिफाई करे थ्रू वॉर्स अब सब स्टेट में लोगों को यूनाइट यु, करना या इटली को यूनाइट करने के पीछे जो भी हाई क्लास सोसाइटीज़ थी उनका जो मेन एम था या वो इस नज़रिए से देखते थे कि अगर यूनिफाई यु, हुआ इटली तो उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने मिलेगा एंड देन दे कैन इम्पोज देयर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑन द पीपल ऑफ़ इटली देन जो चीफ uh, मिनिस्टर थे इटली के कैर नाम के आई एम सॉरी अगर मैं कोई रॉन्ग uh, प्रोनांशन कर रही हूँ चीफ मिनिस्टर थे कैवियोर उन्होंने एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस फॉर्म की थी फ्रांस के साथ एंड इसी अलायंस के वजह से जो सार्डिनिया पेडमॉन्ट थी उन वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफ़ीट करने में सक्सेसफुल हुई थी और उसी के बाद उन्होंने 1860 में वॉल्टियर्स के साथ साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलिस में मार्च किया वो वहाँ पे उन्होंने मार्च किया एंड देन वहाँ के लोगों का विश्वास जीतने में सपोर्ट जीतने में वहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गए और जो उन्हें सपोर्ट मिला वो था लोकल पीजेंट्स का यानी कॉमन जो लोग थे वहाँ पे उनका उन्हें सपोर्ट मिल चुका था बट इतना सब कुछ इटली को यूनिफाइड करने की कोशिश होने के बावजूद और लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिलने के बावजूद जो लिटरेसी रेट था इटली का वो बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी थे जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अभी तक वाकिफ़ नहीं हुए थे वो लोग अभी तक उन आइडियोलॉजीज़ का मतलब जानते ही नहीं थे और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है उन्होंने कि जो ला टालिया जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ किया गया है इटली में उन्हें यह लगता था इलिटरेट लोगों को कि ला टालिया ये एक्चुअल में विक्टर इमैनुअल की वाइफ है जो किंग ऑफ यूनाइटेड इटली है तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी इलिट्रेसी थी और उन लोगों को कितने आ, अन, अंधकार में रखा गया जब भी ये उनका सपोर्ट लिया गया या फिर उन्हें इटली को यूनिफाइड करने की आइडियोलॉजी समझाई गई होंगी देन वी आर अप टू आवर थर्ड टॉपिक विच इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा है और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन अब Uh, जो भी ये मॉडल uh, थे नेशन स्टेट के या एक नेशन के मैंने नेशन का मतलब पहले भी एक्सप्लेन किया है तो ये जो मॉडल्स थे इन्हें बहुत ज़्यादा जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आर्ग्यू किया था और उन उन्हीं में से कुछ थे ग्रेट ब्रिटेन में अब ब्रिटेन में नेशन स्टेट फॉर्म होने का जो भी प्रोसेस था वो एकदम सडन नहीं था यहाँ पे नेशन स्टेट फॉर्म होने में एक बहुत लंबा प्रोसेस हुआ है और इसी का रिजल्ट है कि आज वहाँ पे नेशन स्टेट क्रिएट हो चुके हैं एटीन सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन बोल के कोई ऐसा नेशन नहीं था जो वहाँ पे लोग रहते थे जो आज एक ग्रेट ब्रिटेन के नाम पे जाना जाता है तो वहाँ पे जो लोग एटीन सेंचुरी के पहले रहते थे उनकी कुछ एक आइडेंटिटीज़ थी और जो लोग थे वो कुछ एथनिक ग्रुप्स से बिलोंग करते थे वो एथनिक ग्रुप्स थे इंग्लैंड वेल्श स्कॉट और आयरिश और ये जो एथनिक ग्रुप्स थे इनके अपने ही कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे बट टाइम के साथ इंग्लिश जो नेशंस थे उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी उन्होंने अपने वहाँ के जो मोनार्कीज होंगे उन्हें सीज़ करना स्टार्ट कर दिया ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया और इसी की वजह से एक नया नेशन स्टेट क्रिएट हुआ जिसे हम इंग्लैंड बोलते हैं देन उसके बाद 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक uh, किंगडम के तौर पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के तौर पे क्रिएट हुआ जिसमें स्कॉटलैंड भी मिला और इंग्लैंड को एक अच्छा चांस था कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो स्कॉटलैंड के ऊपर इम्पोज कर सके बिल्कुल सिस्टमेटिकली क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ उनका एक एक्ट ऑफ यूनियन जो पैक्ट है वो हो चुका है और उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कैसे इम्पोज़ किया तो उन्हें जो स्कॉटिश लोग थे उन्हें जो उनकी गैलिक लैंग्वेज थी वो वो बोलनी अलाउड नहीं थी उनके जो नेशनल ड्रेस थे वो पहनने अलाउड नहीं थे और कुछ लोगों को तो अपने घरों से भी बाहर निकाल दिया गया था देन आयरलैंड के का भी जो भाग था कोई मतलब जो उनका फेट था वो वो कुछ अलग नहीं था उन्होंने भी स्कॉटलैंड की तरह ही डिफ़िकल्टीज झेली Uh, जो आयरलैंड थे वो डिवाइडेड थे बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स और इंग्लिश लोग जो थे यानी जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया ताकि वो अपना एक डोमिनेंस क्रिएट कर सके ओवर द कैथलिक पीपल देन ये सब होने के साथ साथ कुछ इसके अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट हुए होंगे लेड बाय वुल्फटोन विद द यूनाइटेड आयरिश मैन तो उसे भी रिप्रेस कर दिया गया और वो जो रिवोल्ट थे वो फ़ेल हो गए और इसी का रिजल्ट यह हुआ कि आयरलैंड को भी बहुत फोर्स के साथ यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया एटीन जीरो वन में और ये सब हुआ और इसी के बाद एक नया ब्रिटिश नेशन फौज हुआ ब्रिटिश नेशन क्रिएट हुआ जो बेसिक जो फाउंडेशन था ब्रिटिश नेशन क्रिएट होने का या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म होने का वो था उन्होंने अपना जो इंग्लिश uh, कल्चर था या डोमिनेंस था वो सबको प्रोपोगेट uh, किया और सबके ऊपर एक डोमिनेंस क्रिएट किया इसी की वजह से वहाँ पे जो नेशन स्टेट्स थे वो क्रिएट हो पाए देन एक नया नेशन स्टेट क्रिएट हुआ है तो कुछ सिंबल्स रेडी किए गए और टू रिप्रेजेंट द नेशन स्टेट जिसमें था ब्रिटिश फ्लैग जिसे हम यूनियन जैक के तौर पे जानते हैं देन उनका जो नेशनल एंथम था वो क्रिएट किया गया जिसका कुछ बोल हैं गॉड सेव अवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली वो यहाँ पे ख़त्म होता है अगर आपको वीडियो समझ में आई और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ओके okay, तो आई विल टेक अ लीव नाव एंड आई विल